तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या उसमें रिसोर्स यूज होते हैं। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिजाइन देते हो और आप नोटिस पीरियड पे होते हो, उसके बाद क्या होता है कि जब आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट होता है तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है। अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होता है वो किस बेस पे होता है कि ऑन लास्ट वर्किंग डे आप क्या करते हो, एक फॉर्म होता है, फिजिकली फॉर्म, या हो सकता है आपको ओवर ईमेल आता हो या ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन हो, तो उसमें क्या होता है कि एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आप सारी डिटेल फिल करते हो। उसमें डिटेल से रिलेटेड क्या होता है कि जैसे आपने नोटिस पीरियड पूरा कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, आप जो एसेट्स यूज़ करते थे जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या आईडी कार्ड हो गया, या एडमिन कंपार्टमेंट्स का कोई भी आइटम हो गया, नोटबुक हो गई, या और भी कोई ऐसा एसेट है कंपनी से रिलेटेड, मतलब कि जितनी भी चीज़ें कंपनी ने आपको दी हुई हैं वो आपने प्रॉपर रिटर्न करी है कि नहीं करी है, तो उसमें वो चेक बॉक्स होता है, तो आपको वो चेक करना पड़ता है। अब जब कोई बड़ी प्रोफाइल होती है, किसी आप बड़ी प्रोफाइल पर जाते हो तो कंपनीज बहुत सारी फैसिलिटी देती हैं, हो सकता है आपको गाड़ी प्रोवाइड कराई हो सकता है आपका रेंट वगैरह हो वो देते हों, तो मतलब ये कई सारी चीज़ें होती हैं, कई कंपनीज बाइक प्रोवाइड कराती हैं, कई कंपनीज फोर व्हीलर देती हैं, फोर व्हीलर में भी कैटेगरी होती है, कोई 10 लाख की, कोई 15 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई मर्सिडीज भी देती हैं, बट वो एक बड़ी प्रोफाइल पे होता है और जब आपको अराउंड एक्सपीरियंस हो जाता है 15 से 20 साल का, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसी के बेस पे वो सारा आपका डेटा फिल होता है उस फॉर्म में, और वो फिजिकली आपको एचआर टीम में सबमिट करना होता है। अब एचआर टीम क्या करती है कि उस डिपार्टमेंट से, जैसे कि आप मान लो आईडी कार्ड है या कोई नोटबुक है जो आपको रिटर्न करनी थी, मीन्स वो आएगा आपका एडमिन के अंदर, तो हो सकता है आपको साइन कराना पड़े या एचआर टीम कराए, तो क्या करते हैं कि एडमिन टीम के पास जाएगा, उनसे उसमें सिग्नेचर होगा, फिर वो आईटी टीम के पास आएगा, तो आईटी टीम के जो भी एसेट्स होंगे, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या चार्जर हो गया, बैग हो गया, जो भी वो लोग एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर फिर आईटी का सिग्नेचर होगा, एंड ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा कि कुछ तो आपका पेंडिंग तो नहीं है यहाँ पे, से गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह कुछ भी अगर कंपनी ने दे रखी, तो वहाँ से साइन होगा। इसके बाद वो पूरा फॉर्म पे साइन होने के बाद वो सबमिट होता है वापस से एचआर डिपार्टमेंट में, और उसके बाद आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस होता है। इसीलिए वो कंपनीज आपसे बोलती हैं कि आपका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा वो 30 to 45 days में होगा, 15 days में होगा, 90 days में होगा, तो कभी भी कंपनी ऐसा नहीं करती कि आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सेम डे पे हो जाए, जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन कभी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है, इस वजह से आपको टाइम लगता है। और हाँ दोस्तों, जब भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है तो अगर आपके पीएफ डेट ऑफ एंडिंग नहीं पड़ा हुआ, डेट ऑफ एंड नहीं है, तो एचआर से बोल के ये काम आप जरूर करवा लें कि आपके पीएफ में डेट ऑफ एंड जरूर मेंशन कर दिया जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, तो नेक्स्ट वीडियो में टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।